आज डिस्कस करेंगे डीजे स्टेंट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका पथरी के ऑपरेशन होता है। जब पथरी का ऑपरेशन होता है या फिर हमारे मूत्र नलिका में रुकावट होती है, उस केस में डीजे स्टेंट डाला जाता है। तो डीजे स्टेंट कैसे डाला जाता है, क्यों डाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, और जब डीजे स्टेंट डालते हैं तो पेशेंट्स को क्या सिम्टम्स आते हैं और उसको हम कैसे कम से कम कर सकते हैं, ये सारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डीजे स्टेंट क्या होता है। डीजे स्टेंट एक प्रकार की ट्यूब होती है जो आपके मूत्र नलिका यानी यूरिनरी ट्रैक में डाली जाती है। ये ट्यूब आपके गुर्दे से आपके ब्लैडर तक जाती है और ब्लॉकेज या रुकावट को दूर करने में मदद करती है। इसका मुख्य उद्देश्य आपके गुर्दे को स्वस्थ रखने का है। ये अलग अलग साइज में आती है डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी हाइट कितनी है और एज कितनी है, तो उसकी लेंथ और उसकी विड्थ यानी उसकी मोटाई और लंबाई उसके हिसाब से चूज करी जाती है। डीजे स्टेंट क्यों डाला जाता है। डीजे स्टेंट मूत्र नलिका की रुकावट को दूर करने के लिए डाला जाता है। ये रुकावट का कारण गुर्दे, मूत्र नली, ब्लैडर में पथरी या फिर इन्फेक्शन हो सकता है। डीजे स्टेंट ऑपरेशन के दौरान भी डाला जाता है। जब ऑपरेशन होता है तब ब्लीडिंग के कारण क्लॉट्स बन सकते हैं। ये क्लॉट्स मूत्र नली में फंसकर रास्ता रोक सकते हैं या फिर जब हम स्टोन तोड़ते हैं तब उसके छोटे छोटे टुकड़े भी मूत्र नली में फंस सकते हैं। इस रुकावट को रोकने के लिए स्टेंट डाला जाता है। कई बार पथरी के कारण मूत्र नली का रास्ता खराब हो जाता है और उसमें सूजन आ जाती है जो कि पेशाब के उतरने में रुकावट पैदा कर सकती है। इस केस में भी हम स्टेंट डालते हैं। डीजे स्टेंट के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। पेशाब करते समय दर्द या जलन होना, पेशाब में खून या पेशाब करने के बाद खून आना, बार बार पेशाब आना, जिस साइड स्टेंट डला है वो पेट की साइड में भारीपन या दर्द रहना, पेशाब करने के बाद ऐसा लगना कि अभी और पेशाब आएगा, ये सारे डीजे स्टेंट के सिम्टम्स हो सकते हैं। इन सिम्टम्स की तीव्रता हर पेशेंट में अलग होती है और ये बताना संभव नहीं कि किस पेशेंट में कितनी तीव्रता होगी। कैसे डाला जाता है। दूरबीन को पेशाब के रास्ते से ब्लैडर अथवा मूत्राशय में ले जाया जाता है, फिर एक गाइड वायर को मूत्र नली के मुख में डाला जाता है और उसको गुर्दे तक ले जाया जाता है। फिर इसके ऊपर स्टेंट को इस तरह चढ़ाया जाता है कि उसका एक एंड गुर्दे में हो और दूसरा मूत्राशय अथवा ब्लैडर में हो। इससे मूत्र नली का रास्ता खुल जाता है और पेशाब गुर्दे से मूत्राशय की ओर आसानी से आ जाता है। एक बार डीजे स्टेंट डाल दिया तो उसे कब निकालना है। अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस जैसे पथरी का ऑपरेशन के बाद डाला हुआ डीजे स्टेंट हम 2 से 4 हफ्तों में भी निकाल सकते हैं, अथवा कुछ केसेस जैसे कैंसर के पेशेंट या फिर जिन केसेस में मूत्र नली सिकुड़ जाती है उनमें हम लंबे समय के लिए डीजे स्टेंट रख सकते हैं जो कि 1 साल तक भी हो सकता है। और इसके बाद भी इसको निकालने की बजाय इसे बदलना पड़ सकता है। सो जिस सर्जन या यूरोलॉजिस्ट ने आपका स्टेंट डाला है ये ड्यूरेशन वो तय करे और वो आपको बताए, वो ही बेटर है। डीजे स्टेंट निकालने की प्रक्रिया, ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है जिसमें आपके पेशाब के रास्ते में एक दवाई डाली जाती है और उसे सुन कर दिया जाता है, फिर एक दूरबीन डालकर डीजे स्टेंट निकाला जाता है। कुछ केसेस में जिसमें पेशेंट पेन के लिए बहुत सेंसिटिव होता है उस केसेस में पेशेंट को बेहोशी की दवाई दी जाती है और फिर सेम प्रक्रिया यूज करी जाती है जिसमें एक दूरबीन से स्टेंट निकाला जाता है। ये एक ओपीडी प्रोसीजर होता है यानी
यहाँ पे ये चीज़ नोट करने वाली है कि डीजे स्टेंट निकलवाना आपकी खुद की जिम्मेवारी है। जब आपके यूरोलॉजिस्ट ने स्पेसिफिक टाइम पीरियड में डीजे स्टेंट निकलवाने के लिए कहा है, उसमें निकलवा लेना चाहिए, नहीं तो ये खुद सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन सकता है और इस पर पथरी जमा हो सकती है, और इसको निकालना एक बहुत ही बड़ा और लंबा प्रोसीजर बन सकता है जो आपके गुर्दे के लिए हानिकारक भी साबित हो सकता है। इसलिए आपको ये सही समय पर निकलवा लेना चाहिए।